तो गाइस फाइनली देखिए सूजी रेडी हो चुका है और सूजी अब हमारा बन के रेडी हो गया। अब त्रिकुट भी इसको खाएगा और हम लोग भी खाएंगे, मतलब हम भी खाएंगे। तो गाइस कमेंट कीजिएगा मैंने सूजी कैसे बनाया देख लीजिए। और सूजी बनकर रेडी हो गया, डबक गया है पूरा। तो अब हम इसको उतारेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो अभी तो पूरा डबक ही रहा है, डबक लेगा उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग खाएंगे पूरा चाव से, एकदम मस्ती चाव चाव से। और बहुत ही मज़ा आने वाला है, अब इसको हम उतार लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टैंड बहुत ही छोटा है दोस्तों, फोन हमारा टिक नहीं रहा है ठीक से, ठीक है, इसी वजह से हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ट्राइपॉड भी है नहीं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं यार अच्छे से, सपोर्ट करते तो मैं अभी तक ट्राइपॉड ले लेता। ट्राइपॉड लेने के बाद मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता एकदम, है ना, उसका ट्राइपॉड ले लेता और अच्छी तरह से दिखाता। आपको देख लीजिए हमारा खाना भी चल रहा है और ये हमारा रेडी हो गया, तो हम इसको उतार लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम खाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों, देख लीजिए हमारा हो गया है, इसको हम बता दिए। अब इसको हम उतारने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गर्म है बहुत ज़्यादा, ठीक चल। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारी बुच्ची चली गई है गांव और हमें छोड़कर चली गई है, और हम लोग अकेले हो चुके हैं। हम और चिरकुट हैं और सब कुछ खाना वाना हम यहीं बना रहे हैं, और सब कुछ देख सकते हैं कितना सुनसान लग रहा है हमारा ये जगह, और इधर देख लीजिए। और हमारी बुच्ची रहती है तो बहुत ही मज़ा आता है हमें, और हमारी बुच्ची चली गई है और क्या बताएंगे, मतलब थोड़ा घर खाली खाली लग रहा है, और घर बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको कि हम चिरकुट क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों, हम चिरकुट को दिखाते हैं और क्या क्या मस्ती कर रहा है चिरकुट। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं चिरकुट के यहाँ, देखिए चिरकुट सूतल है दोस्तों, देख रहे हैं चिरकुट सूता हुआ है। ए चिरकुट उठो, नो 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 नो, वेट 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 वेट। अरे दोस्तों चिरकुट सूता हुआ है, ऐसे सोने का ही काम कर रहा है खाली, अब कुछ काम नहीं कर रहा है सोने का। देखिए छः बज गया है, छः बज गया है तो भी सोने का काम कर रहा है, क्या बोलेंगे इसको, इसका खाली सोने का ही काम है। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं उधर भी आगे का रूम भी। चिल्ली उठा के सोने का ही खाली काम कर रहा है, और हम लोग यहीं पे खाली आराम कर रहे हैं दोस्तों। और आराम करने के मतलब वो आराम कर रहा है, मैं तो खाली अब जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए। खाना मैं बना ही रहा हूँ, चूल्हा में चढ़ा दिया हूँ खाने को, ये देख लीजिए मैंने खाना में चढ़ा दिया है। और खाना में चढ़ाने के बाद मैं बना रहा हूँ, ठीक है, गैस पर चढ़ा दिया है। गैस में चढ़ाने के बाद नहीं, मैं नहीं, देखिए हमने तीन डब्बा चावल निकाल लिया, तीन डब्बा चावल निकालने के बाद हम चलिए हैं अपने धोने के जगह। और धोने की जगह हम देख लेते हैं, धो लेंगे उसके बाद हम बताते हैं आपको कि हमारे पास जो पानी है वो गर्म हो चुका है। अब हम चावल धो लेंगे और चावल धोने के बाद जाएंगे अपना चूल्हे में डालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम चावल धो लेते हैं और दिखाते हैं आपको चावल धोकर कि कितना हम लोग खाए थे। और बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों हमारे ब्लॉग में, क्योंकि मॉर्निंग का ब्लॉग आपको पता ही है कि बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो गाइस फाइनली हम लोग चावल धो लिए हैं, देख सकते हैं चावल धोकर हम लोग जा रहे हैं। अब चावल धो के हम लोग अब चूल्हे में चढ़ाएंगे, और बहुत ही गजब लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जब चूल्हा में चढ़ाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा छिटकता है। हम चूल्हा में चावल डाल लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है। चूल्हे में चावल डाल लेते हैं, पानी हमारा डबक गया है, देख सकते हैं पानी हमारा किस तरह खोल रहा है, देख रहे हैं ना, हाई टेम्परेचर में थोड़ा डबक रहा है। तो कम कर लेते हैं टेम्परेचर, कि मुझे डर भी लगता है क्योंकि है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ही एकदम झिझिराने लगता है मुझे। तो हम डाल लेते हैं चावल और आपको दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हम रख लो चावल डाल लेते हैं दोस्तों, हमने फिर चावल डाल दिया है, इसी तरह चावल डालेंगे दोस्तों। और चावल डालकर हम बना छोड़ देंगे बना के, मुझे डर भी लगता है चावल डालने में, गर्म जो पानी छिटकता है वो ज़्यादा है। आप लोग जानते हैं ना कि चावल डालते हैं तो छिटकता है, इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा छिटकता है दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा छिटकेगा ना तो बात ही कुछ है, गर्म हो जाता है ना पानी, तो उससे ज़्यादा हो जाता है। देखिए हमने पानी भी ज़्यादा डाल दिया, तो पानी का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हमने पानी डाल दिया, हमारे चावल तीन डब्बा में हम बताओ, मतलब दो पानी कभी हो जाएगा और
शाम तक पूरी अच्छी तरह से हो जाती है, और शाम तक अच्छे से हो जाएगा तो हम लोग आराम से अब बाद में बस सिर्फ सब्जी बनाना पड़ता है और कुछ नहीं, बस सब्जी बना लेंगे उसके बाद हो जाएगा हमारा, और सब्जी बनाने के बाद आराम से हमारा चल जाता है। हम लोग ने अचार भी लाया है, वो अचार तो हमें बहुत पसंद है क्योंकि अचार ना मिक्स अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, इतना अच्छा लगता है ना क्या ही बताएंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इतना अच्छा लगता है तो हम इसे बताएंगे आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता ही कि मिक्स अचार का टेस्ट अलग ही होता है ना, अलग ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने चावल डाल लिए, अब चावल डाल लिए उसके बाद हम दिखाते हैं आपको ये चावल जब गर्म हो गया जब पानी थोड़ा सा घटा लेंगे, उसको पानी घटाने के बाद ना फूल जाएंगे। ठीक है, अब पानी फेंक लेते हैं, इसको थोड़ा सा पानी घटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पानी हो गया। A few moments later. तो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ कि ये देखिए सूजी है, ठीक है ये सूजी है, और मैं ये सूजी को बनाने जा रहा हूँ, देख लीजिए ये सूजी का पैकेट है, और ये सूजी चिरकुट स्कूल जाएगा ना, तो इस वजह से मैं इसको बना रहा हूँ अभी, और चिरकुट जब जाएगा स्कूल मतलब खा के ही जाएगा, क्योंकि ऐसे खाली पेट तो जाएगा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग क्लास है अभी। अच्छा हमको सिखा रही है, तो बहुत ज़्यादा है इसको गर्मी की वजह से इसको दिक्कत है, ज़्यादा फट रहा था दोस्तों, मैंने एक पैकेट फाड़ दिया है, हम चढ़ा दिए हैं इसको, युवा मैं मुझे खिला के भेज रहे हैं, और अपना सूजी कल भी लाए थे सूजी, आज भी लाए हैं, और परसों भी सुबह खिला कर भी, क्योंकि सुबह का समय नाश्ता सूजी हो जाएगा तो अच्छा रहता है, कि सुबह में इसका निकल जाएगा। ओ ओ इसमें तो गंदा करके रख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं सूजी बना लेता हूँ और देखते हैं, सूजी बनाने के बाद उसको हम खिला के भेज देंगे इसको, क्योंकि सच 6:30 बजे से स्कूल हो जाता है, और 6:30 बजे का स्कूल हो जाएगा तो हमें दिक्कत ये हो जाता है कि बिना खाना खिलाया नहीं भेजेंगे तो सुबह में जानते हैं ना कि आजकल का जो धूप है बहुत ज़्यादा ही ख़राब धूप है, अब वो धूप इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि क्या बताएंगे, मतलब थोड़ा सा लू लग जाएगा या तो कहीं पेट वेट कह जानते हैं समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम सूजी बना के खाना तो आराम से बन जाता है मेरा, क्योंकि हम 7:30 बजे तक मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ खाना एकदम सब्जी के साथ, और कोई सोचने का है नहीं, तो अभी देखिए ये सब रेडी हो रहा है, देख रहे हैं सूजी जलने का, चिरकुट धो के ला, गंदा कर दिया है सारा, इसको धो के ला, कछुर को लो, इसको हम कछुर धोने के लिए भेज दिए, तो अभी हम बना लेते हैं दोस्तों सूजी को, अभी हम बना लेते हैं सूजी को, और बहुत ही बढ़िया तरह से देख लीजिए सूजी चढ़ा दिए हैं बढ़िया तरह से, सूजी ये बनेगा और बन के जब रेडी हो जाएगा तो हम लोग सब कोई हमारे चिरकुट मिल के खाएंगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, सूजी का टेस्ट ना सुबह सुबह बहुत ही मज़ा आता है, खाली नाश्ता के लिए आप लोग लिए एक नंबर है सूजी, क्योंकि नाश्ता का आप जानवे करते हैं, नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के समय में, और नाश्ता इतना अच्छा लगेगा ना कि क्या ही बताएंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूजी एकदम अच्छा लगता है टेस्ट, उसमें इलायची डाल दीजिए, इलायची बोल रहे हैं मतलब वो हाँ क्या बोलते हैं उसको, अरे चुहाड़ा और पिस्ता बादाम सब जो भी मतलब मेरा मिला सही पकड़े हैं। तो गाइस मैंने सूजी बना दिया है मतलब चढ़ा दिया, देखिए पानी डाल दिए हैं और उसके अंदर में सब कुछ रेडी हो चुका है, और हमारा खाना भी देखिए होने लग रहा है, ठीक है तो खाना होने लग रहा है, और खाना झमेला लगता है, तो ठीक है दोस्तों हम उसको सीधा कर लेते हैं, पहले खाना का बहुत झमेला करता है एकदम, टिकता ही नहीं है देखिए, टिकता ही नहीं है एकदम, नहीं टिकने से वजह से देख रहे ना, तो जो ढक्कन है पूरा पुलिक पुलिक होता रहता है देख लीजिए, पूरा पुलिक पुलिक होगा और उसी तरह में हमको डिस्टर्ब करेगा, और इस चीज़ का हमको थोड़ा ख़राब लगता है कि जल्दी होता नहीं है, और नहीं होने का कारण हमको बहुत ही गजब का गुस्सा लगता है, खाना का ही समय ओहो बहुत गर्म है दोस्तों, गर्म इतना है कि मत पूछिए 100°C है, और बहुत ही ज़्यादा गर्म है, टिक ही नहीं रहा सर,
उलट देते हैं इसे। चलिए उलट दिए हैं, हम देखिए ढक्कन को उलट के लगा दिए हैं। उलट में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो जाएगा और आसानी होकर जल्दी पक जाएगा, और जल्दी पक जाएगा तो हमारा खाने का मज़ा आ जाएगा। खाना खाएंगे, उसका सब्जी बनाएंगे, उसका सब्जी बनाने के बाद दाल तो नहीं बनाते दोस्तों, क्योंकि दाल जूठेगा खाएगा वो कि नहीं, वो भी उतना दाल नहीं खाता है और हम भी उतना दाल नहीं है खाते हैं, यह बात है। और दाल नहीं खाएंगे तो क्या झूठे के लिए दाल बना कर बात करेंगे, वो हमारा चुनू वनू है ना, वो दोनों खाता है, तो इसके लिए अब उतना दाल बनाना असंभव नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, हम बना लेते हैं पूरी तरह से और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कितना मज़ा आने वाला है। ठीक है, जितना भी डालना है पूरा डाल दीजिए और ढेर सारा एकदम डाल दीजिए तो और भी मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो हम सबको डाले नहीं है, अभी हम जरूर चलाना है, तो हम जब बना लेते हैं दोस्तों उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितना मज़ा आने वाला है। A few moments later. तो गाइस फाइनली देखिए सूजी रेडी हो चुका है और सूजी अब हमारा बन के रेडी हो गया, अब चिरकुट भी इसको खाएगा और हम लोग भी खाएंगे, मतलब हम भी खाएंगे। तो गाइस कमेंट कीजिएगा मैंने सूजी कैसे बनाया देख लीजिए, और सूजी बनकर रेडी हो गया, अब डबक गया है पूरा, तो अब हम इसको उतारेंगे उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो अभी तो पूरा डबक ही रहा है, डबक लेगा उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग खाएंगे पूरा चाव से, एकदम मस्ती चाव चाव से, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब इसको हम उतार लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टैंड बहुत ही छोटा है दोस्तों, फोन हमारा टिक नहीं रहा है ठीक से, ठीक है, इसी वजह से हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ट्राइपॉड भी है नहीं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं यार, अच्छे से सपोर्ट करते तो मैं अभी तक ट्राइपॉड ले लेता, ट्राइपॉड लेने के बाद मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता एकदम, है ना, उसका ट्राइपॉड ले लेता और अच्छी तरह से दिखाता। आप सब देख लीजिए हमारा खाना भी चल रहा है और ये हमारा रेडी हो गया है, हम इसको उतार लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों। देख लीजिए हमारा हो गया है, इसको हम दिखा दिए हैं, अब इसको हम उतारने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गर्म है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्म की वजह से डर भी लगता है, और डर क्या मतलब इसको उतार के नीचे कर देते हैं बस, काम यहीं से खत्म, ढाकती है दोस्तों। ये हमारा एक तो बन गया है सूजी, आखिर को अब खाएगा इसे, हमने सूजी को उतार दिया है और देख सकते हैं सूजी को हमने नीचे उतार दिया है, यहाँ देख लीजिए नीचे उतार दिया, और नीचे उतारने के बाद हम उसको छोड़ दिए, और छोड़ देने के बाद हम उसको थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम लोग खाएंगे, नाश्ता करेंगे और जाएंगे अपने अपने कामों में और ड्यूटी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा। तो यहीं पे करते हैं दोस्तों ब्लॉग का समाप्त, मिलते हैं अभी इस तरह एक नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।